तो स्टेप वन है, सबसे पहले धन्यवाद करना है। जब आप प्रार्थना में बैठो, कमरा बंद होए, नीचे बैठो घुटनों पे, ऊपर बैठो घुटनों पे, डजन मैटर घुटनों पे होनी चाहिए। अगर नहीं अभी अवस्था आपकी घुटने पे, धीरे धीरे आदत लगेगी। बैठ के थोड़ा कैसे भी बैठ के कोशिश करो। पहला क्या काम है, हमें बंद कमरे में सेपरेट जा करके, अगर आपके घर में एक ही कमरा है, कोई एक कोना पकड़ो, बस डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए आपकी, आपका ध्यान परमेश की ओर लगे। पर कोई बात नहीं, ध्यान हर जगह लगाया सकता है, चाहे कोई एक कमरा है, सेपरेट कमरा आपके पास प्रेयर के लिए है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी भूल जाओ, पहला काम है बैठना है अपने घुटनों के बल परमेश्वर के सामने, क्योंकि घुटने के बल बैठना हमारा समर्पण और दीनता दिखाता है। और शुरुआत कैसे करनी है प्रार्थना की, सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक दिव्य परमेश्वर की आशीष और कृपा के लिए धन्यवाद करो, कम से कम 5 से 10 मिनट। धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करते हैं, जैसे दाऊद बोलते हैं कि मैं धन्यवाद सहित परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करूंगा। तो ये वचन से है, सबसे पहले थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर धन्यवाद देना है, और अपने किए गए जाने अनजाने में हर तरह के पाप गलती गुनाहों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो, माफी मांगो। दूसरा काम है स्टेप टू, जब क्षमा भी मांग ली, और अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु के लहू में ढांपना है, अपने घर के ऊपर अंदर चारों दिशाओं में यीशु के लहू का बाड़ लगाना है, ताकि शैतान आपको ना रोक सके प्रार्थना में। जब ये दो काम हो गए हैं, और ये दोनों काम करने में आपको 15 मिनट कम से कम लगाने हैं, उसके बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट की आराधना में जाना है, क्योंकि आराधना के द्वारा हमारा मन हल्का हो जाता है और परमेश्वर की प्रेजेंस छा जाती है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दूत हमारे साथ उतर जाते हैं। तो 10 मिनट आराधना करने के बाद आप 25 मिनट प्रार्थना कर चुके हैं, आगे फिर आपको अपनी प्रार्थना विषय परमेश्वर के आगे रखने हैं। और विषय कैसे कैसे रखने हैं, पहले नोट डाउन करो आपकी जीवन की बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी है, बड़ी उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, ऐसे करके आपने सारे विषय नोट डाउन करके एक एक विषय पे 5-5 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर को कहना है कि उस विषय, उस प्रॉब्लम का बंधन तोड़े, और परमेश्वर उस दिक्कत परेशानी बदहाली को दूर करे। एक एक विषय के लिए आपने 5-5 मिनट प्रार्थना करनी है। अगर आप 5 विषय भी परमेश्वर के आगे रखते हैं, आपके 25 मिनट और प्रार्थना में निकल जाएंगे, और इसके द्वारा आपकी 50 मिनट की प्रार्थना हो चुकी है। और उसके बाद क्या करो, दोबारा से सारे जो विषय आपने परमेश्वर के आगे रखे उनके लिए धन्यवाद दो, एक एक के विषय के लिए, कि हाँ परमेश्वर मेरा विश्वास है कि तूने मेरी मेरी टाइफाइड की बीमारी दूर कर दी है, मेरा कर्जा उतार दिया है, मेरे पापा मम्मी के लड़ाई झगड़ा क्लेश खत्म किया है, और मेरे घर का क्लेश खत्म किया है, मेरी नशे की आदत से मुझे आज़ादी दी है, मेरा कर्जा उतार दिया है, और मेरे काम बिजनेस को बढ़ा दिया है। एक एक विषय के लिए धन्यवाद दो जिसके लिए प्रार्थना की है। और उसके बाद दोबारा 5वें स्टेप में अपने आप को, अपने परिवार को यीशु के लहू में ठाप के, अपने घर के ऊपर अंदर चारों दिशाओं में यीशु के लहू का बाड़ा लगा के धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को आमीन के साथ एंड कर सकते हैं। और ऐसे करके आप 1 घंटा प्रार्थना में देंगे, और 1 घंटा भी अगर एक टाइम आपने प्रार्थना कर दिया, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 1 घंटा शुरू करो, जब 1 घंटा करने लगे हर एक स्टेप में 5-5 मिनट बढ़ा दो, अपने आप प्रेयर बढ़ जाए। ये तरीका है प्रेयर बढ़ाने का, लोगों को पता ही नहीं आता कि प्रेयर कैसे करनी है, प्रेयर कैसे बढ़ानी है, ऐसे बढ़ाई जाती है। और ऐसे प्रार्थना के बाद आप बाइबल रीडिंग में जा सकते हैं। तो इस प्रकार 1 से 1.5 घंटा आप एक वक्त में परमेश्वर को दे रहे हैं, और ऐसे करने से आपके बंधन टूटेंगे।